उनको लगता है कि हम सब ऐसे हैं हम सब उनको हमें समझ नहीं है हम आना चाहते हैं बाहर के मुल्क में मगर हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं पूरे आ, उनके मुल्क को तो अब वो माइंड करने लग लग रहे हैं इतना कि वो अब बोलने लगे हैं पहले बोलते नहीं थे चुप रहते थे वो उनको ये डर है कि अब लड़ाई झगड़ा शुरू होगा होगा यूके में वो आप पहले से आगाह कर रहे हैं कि या तो तुम लोग अपने आप को बदलो वरना यहाँ पर सिविल वॉर होगी क्योंकि हम तुम लोगों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या मुसलमानों को दाढ़ी रखना मना है क्या इतना मना है कि उसकी पटाई कर दी जाएगी जूते जो है जूता जो है वो उस लड़के की सर पे रखा जाएगा बिकॉज इज एन एशियन मुस्लिम इस वजह से ये 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 तो 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 बात है ये तो, ये तो, ये तो के चूरा जो, चूरन जो खरीद रहे हैं वो इनको तो पता नहीं है माजी क्या है माजी के बगैर फ्यूचर प्रोडेट नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता आज भी अगर कोशिश करें मैं अपनी हेरिटेज को मुसलसल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं अपने डीएनए पे मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं मजहब का मजहब का यूनिफॉर्म जरा एक मिनट के लिए उतार के रख अर्थशास्त्रा पढ़ के देख लें टेक्सराइल यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करके देख लें अपने सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च करके देख लें आप यूरोप से बहुत आगे थे लेकिन जब से आपने अपने आप को डिनाई कर दिया है जब आपने ये सोच लिया है कि हमने गेम जीतनी ही नहीं है तो लोगों है या उनका जो वादा है वो ये कि हम आपको गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं और आपकी डेस्टिनेशन को अपने घर की तरह लेकिन पाकिस्तान के मामले में हमें ऐसा नहीं लगा उन्होंने हमें लावारसों की तरह फेंक के <involved> in <countries> नमस्कार दोस्तों जय हिंद जैसा कि आपने क्लिप में देखा पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को शक की नजरों से देखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तानी फॉरेन कंट्री में जाकर उस कंट्री में घुलने मिलने के बजाय पाकिस्तानी वहां जाकर वही करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर करते हैं इन्हीं सब को देखते हुए दुनिया भर में अब पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं करता यही वजह है की लोग पाकिस्तानी को शक की नजरों से देखते हैं इसी तरह एक पाकिस्तानी का पिटने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है जिसमे ब्रिटिश पुलिस एक पाकिस्तानी को बुरी तरीके ऐसी मार रही है इस वीडियो के सामने आने के बाद बुधवार देर रात पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग विरोध करते दिखे गए पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को देख भड़के हुए हैं और बोल रहे हैं कि क्या बाहर हमारी यही औकात है बाहर क्यों हम पाकिस्तानियों पे सब शक करते हैं और भारतीयों को बाहर लोग इतनी इज्जत क्यों करते हैं हमने कभी नहीं सुना कि कभी कोई इंडियंस को बाहर कोई मार सके हम पाकिस्तानियों की ना पाकिस्तान में कोई इज्जत करता है और ना ही हम बाहर जाते हैं तो वहाँ कोई करता है आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं चीज पाकिस्तानी इसकी अगर हम बात करें आप खुद भी लंदन में होती हैं क्या देखती हैं आपको कि यहाँ से जब कोई अभी पाकिस्तानी किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं आ, मैंने फील किया वहाँ की सोसाइटी को ये फौरन ही पाकिस्तानी टच देने की कोशिश क्यों करते हैं देखिए अब पहले जो पाकिस्तान के से लोग आए थे माइग्रेट होके यूके में तो उनको फिर भी यानी कि इतने पाकिस्तानी होते नहीं थे तो उनको अपने आप को ढलना पड़ रहा था यूरोप के माहौल में अब क्या है इतने सालों बाद कि काफी इलाके बन चुके हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ पर तो जब जो, जो अब पाकिस्तान से कोई आता है और उन इलाकों में जाता है तो कभी कभार उनको ना अंग्रेजी बोलने की जरूरत है और ना कभी वो उनकी कोई आ, किसी अंग्रेज से कभी मुलाकात होती है क्योंकि वो पाकिस्तानियों के बीच में ही रहते हैं तो आई थिंक बहुत सारे मसले जो हैं काफी सालों से अब बढ़ते जा रहे हैं और अब जो लोग आ रहे हैं उनको अब वो समझ ही नहीं है कि अब आप किसी और के मुल्क में आए हैं आप, आपको अपने आप को बदलना है आप आपको अपने आप को चेंज करना है अब वो चीज भी नहीं है अब तो बहुत मुश्किल हो रहा है आई थिंक के जब दूसरे लोग दे, देखते हैं पाकिस्तानियों को अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं उनको लगता है कि हम सब ऐसे हैं हम सब उन हमें समझ नहीं है हम आना चाहते हैं बाहर के मुल्क में मगर हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं पूरे उनके मुल्क को तो अब वो माइंड करने लगे लग रहे हैं इतना कि वो अब बोलने लगे हैं पहले बोलते नहीं थे चुप रहते थे और कुछ तो अंग्रेज मुझे ये बोल रहे हैं कि अब बातों से भी उनका काफी उन्होंने समझाने की कोशिश करी अब वो उनको ये डर है कि अब लड़ाई झगड़ा शुरू होगा होगा यूके में वो आप पहले से आगाह कर रहे हैं कि या तो तुम लोग अपने आप को बदलो वरना यहाँ पर सिविल वॉर होगी क्योंकि हम तुम लोगों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इस वजह से मैं बोलती हूँ इस वजह से मैंने बोलना शुरू करा है क्योंकि मेरे भी दो छोटे बच्चे मुझे डर लगता है कि भाई हालात सही नहीं नजर आ रहे हैं पाँच दस साल में अगर ऐसा ही चलता रहा कि पाकिस्तानियों ने अपने आप को सुधारा नहीं तो मेरे भी बच्चे इन चीजों में पढ़ सकते हैं ना बाद में कि कोई उनको मारे मेरे बच्चों को ये सोच के पाकिस्तानी बैकग्राउंड है हम लोगों का तो मैं इसलिए आवाज उठाना चाहती हूँ क्योंकि अच्छे भी पाकिस्तानी है मगर उनकी अच्छाई लोग देख नहीं पा रहे हैं ना परवाह कर रहे हैं उसके बारे में क्योंकि जो बुरा कर रहे हैं कुछ पाकिस्तान के लोग उस पर लोगों का फोकस जा रहा है अच्छाई पे फोकस नहीं जा रहा बुराई पे जा रहा है फोकस तो फिर नाम भी मुल्क का बदनाम हो रहा है और जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनका भी खम खाम नाम बदनाम हो रहा है प्लस फिर लोग कुछ ये भी समझते हैं हो सकता है मजहब में कुछ ऐसा हो इसलिए जो है मजहब पे भी फिर वो बात आ जाती है तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप मुसलमान हो जब आप पाकिस्तानी हो आप अपने मज़हब को अपने मुल्क को आप रिप्रजेंट कर रहे हैं बाहर के मुल्क में आपको अच्छा दिखाना है तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो इंडिया से लोग आते हैं भले इंडिया में भी मसले होंगे मगर जो इंडिया के लोग बाहर आते हैं वो अपना अच्छा इंप्रेशन देते हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है अंग्रेज ये बोलते हैं भाई इंडिया से हम इंडिया के लोग तो बड़े अच्छे हैं वो तो हमें तंग नहीं करते हैं बहुत अच्छी जॉब्स करते हैं और हमारे अंदर जैसे हमारे कल्चर को भी समझते हैं तो हमें उनसे कोई मसला नहीं है और चाइना के लोगों से भी मसला नहीं वो भी ये करते हैं मगर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो उनको बात समझ में ही नहीं आ रही तो ऐसा क्या है पाकिस्तानियों में इतना फर्क क्या इन लोगों में कि पाकिस्तानियों को चीज समझ में नहीं आ रही मगर इंडिया और चाइना के लोगों को समझ में आ रही है मुझे अफसोस इस बात का है कि होता ही है कि वंस ए फॉरेन एयरलाइन पैसेंजर्स उतार देती है ना तो अपनी जिम्मेदारी फ़ारग हो जाता बाकी ममालिक में भी ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ही वहाँ तो सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ और एयरलाइंस पूरा इंतज़ाम करते हैं उनका ठीक ठाक अमले होते हैं इस किस्म के प्रॉब्लम के लिए मगर डिलेज वहाँ भी होती हैं तो वहाँ भी डाइवर्जन होती हैं फ़्लाइट की फॉर वेदर पर्पजेज़ और वहाँ भी बड़े कंप्लेंट्स होते हैं तो आई थिंक uh, आपका जो सबसे बुरा हिस्सा है आपके सफ़र का यही है ये नहीं कि आप कि थंडरस्टॉम की वजह से आपको मुल्तान ले जाया गया मगर ये कि उसके बाद का जो सफ़र है छः घंटे का या पाँच घंटे का वो बड़ी ज़्यादा जिस किस्म के कोस्टर्स के अंदर आपको यहाँ लाया गया और कोई अच्छा इससे बेहतर इंतजाम नहीं किया गया और फिर ये कि जी रोड से लाया गया जी। वो इसीलिए लाए गए होंगे कि वहाँ टोल्स नहीं देने और वो जो मोटर वे उस पर टोल्स देने पड़े तो ये 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 जो जिसने भी वहाँ निगोशिएट किया रेट्स तो उस पर यह भी तय करना चाहिए था ना कि पैसेंजर्स की कम्फर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं समझता हूँ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट Uh, मगर एयरलाइंस को भी चाहिए कि ख्याल करें अपने पैसेंजर्स अनफॉर्चुनेटली आयशा पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है फॉरेन एयरलाइंस में आपकी अपनी एयरलाइन आपकी इज़्ज़त नहीं करती और फॉरेन एयरलाइंस भी नहीं करती तो ये जो लाइन तो आप जिस पे आए हैं वो चौका ब्लॉक फुल ऑफ पाकिस्तान ईस्ट और ज़्यादातर ये मिडल ईस्ट से आ रहे होते हैं लोग ज़्यादातर वर्किंग क्लास के लोग होते हैं लेबर क्लास के लोग होते हैं कुछ फैमिलीज होती हैं इंसान तो ये भी फ़र्क पड़ता है ना कितने लोग बिजनेस क्लास में, में बैठे हुए हैं कितने लोग इकोनॉमी में बैठे हुए हैं सो ऑन और बड़ी मजबूरी होती है ये लोग जो भी वापस आ रहे होते हैं देर ऑल्सो बड़ी मजबूरी होती है उनकी दे हैव टू फ्लाई वन और टू एयरलाइंस अब तो ज्यादा एयरलाइंस पाकिस्तान आती नहीं hmm. uh, आती है मेरा ख्याल है तीन चार आती हैं अब Uh, उससे पहले ज्यादा आती थी वो भी नहीं आती और डेस्टिनेशंस भी कम हो गए हैं अब लंदन लाहौल लाहौर फ्लाइट ही कोई नहीं है लंडन इस्लाहाबाद फ्लाइट है, है थ्री टाइम्स अ वीक वो भी शायद अगले मैंने सुना कि अक्टूबर में वो भी शायद खत्म हो जाए आप पी की फ्लाइट जा नहीं सकती बिकॉज ऑफ अदर अभी अगस्त में डिसीजन होना था पेंडिंग है वो भी पता नहीं कब से हम सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट्स को लीज पे दिया जाएगा और सिविल एवियशन वाले छोड़ते नहीं है ना ब्यूरो इतनी स्ट्रॉग है हमारे सिविल एवियशन कॉस्ट्स

आर द हाइस्ट एमंगस दायस्ट इन दर्ल्ड फ्यूल चार्जेज और मैंटेन्स वट एवर इट इज तो अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो सारा पाकिस्तान का यही हाल है जुगाड़ लगे हुए हैं और नो ब डिग्री कोई चेक नहीं ना करता और लेकिन इतिहाद इसमें ये लगा कि उनका जो लोगो है या उनका जो वादा है वो ये कि हम आपको गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं और आपकी डेस्टिनेशन को अपने घर की तरह लेकिन पाकिस्तान के मामले में हमें ऐसा नहीं लगा उन्होंने हमें लावारसों की तरह फेंक के एंड दे फ्लू बैक हालांकि पायलट का यह कहना था कि मैं बारह घंटे से पहले फ्लाई नहीं कर सकता सो मिजरी एंड हेल्पलेसनेस लाचारी